गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं सीए मनीष कुमार जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं क्लियर टैक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लियर टैक्स को यूज करते हुए आप अपनी GSTR-1 एंड टू एंड फाइलिंग कैसे कर सकते हैं और उसमें हम लोगों को कौन से स्टेप्स है जो ध्यान में रखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप भी अपनी GSTR-1 जो जुलाई से लेके सितंबर 19 की फाइलिंग है उसके बारे में अच्छी तरीके से समझ पाएं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे ClearTax कंपेनियन फॉर डेस्कटॉप, ये एक हमारा टूल है जिसके अंदर आप अपनी GSTR-1 की इनवॉइसेस को अपलोड करने के साथ साथ GST पोर्टल पे सबमिट भी कर पाएंगे और फाइल भी कर पाएंगे। अभी क्या होता था, हम लोग ClearTax के पोर्टल पे इनवॉइसेस को अपलोड करते थे और GST पोर्टल पे जाके उसे फाइल करते थे। अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपको GST पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ClearTax कंपेनियन टूल को यूज करते हुए अपनी फाइलिंग जो है कर पाएंगे। इसके जो फीचर्स हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ ClearTax क्लाउड एप्लीकेशन नाउ इन डेस्कटॉप विद ऑल द फीचर्स, कंप्लीट योर एंटायर फाइलिंग प्रोसेस विद सपोर्ट फॉर EVC एंड DSC। DSC हो या EVC हो, दोनों का यूज करते हुए आप यहां से एंड टू एंड यूजर बेस्ड फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। यूज द वेब ऑटोमेशन ऑप्शन टू डाउनलोड और अपलोड द डेटा विथ GST पोर्टल एंड सिंगल क्लिक्ड डेटा डाउनलोड इन टू ClearTax फ्रॉम टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप ऑटोमेटिक जो है डेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले GSTR-1 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले अपना लॉगिन कर लेना है यूजर क्रेडेंशियल्स को डालते हुए। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड ओपन होगा वो कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन किया जाएगा जिसमें आपकी क्लाइंट की लिस्ट जो है वो ओपन होती है। इसके अंदर आपको सारे रिटर्नों का स्टेटस बताया जाता है, कौन सा रिटर्न आपने फाइल कर दिया है और कौन सा रिटर्न आपका पेंडिंग है और वो किस पीरियड का है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि कौन से क्लाइंट का GSTR-1 जो है वो फाइल करना चाहते हैं। क्लाइंट सिलेक्शन के बाद आपको रिटर्न टैब के अंदर जाना है। रिटर्न टैब में आपको GSTR-1 रिटर्न का जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लेना है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड जिस पीरियड का आप फाइल कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, यहाँ पर इंपोर्ट करने का ऑप्शन आता है। GSTR-1 जिस क्लाइंट का आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे डेटा इंपोर्ट करने के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप टैली यूजर हैं तो डायरेक्टली डाउनलोड टैली कनेक्टर यूज करते हुए आप टैली का डेटा लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ClearTax के अंदर, फिर आपको डेटा इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैली के अलावा और कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। अगर आप गवर्नमेंट फॉर्मेट के अंदर जो गवर्नमेंट की एक्सेल फाइल है उसमें अगर डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको आप यहां से अपलोड कर सकते हैं। बीजी का एक्सेल टेम्पलेट है, अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप उसका एक्सेल शीट जो है यहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। बीजी से एक्सपोर्ट कीजिए, यहां पर आप इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आप ClearTax का यूज कर रहे हैं टूल और उसके अंदर आपने जो ClearTax का टेम्पलेट के अंदर कुछ डेटा मेंटेन करा है तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप टैली से जेसॉन फाइल जनरेट कर रहे हैं या फिर आपकी गवर्नमेंट की एक्सेल यूटिलिटी को यूज करते हुए आपने जेसॉन जनरेट कर लिया है तो आप डायरेक्टली जेसॉन फाइल भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली यहां पर आप जिस भी मोड में चाहते हैं आप अपनी GSTR-1 के डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। दूसरा स्टेप है, जैसे ही डेटा इंपोर्ट करेंगे आपके सामने यहां पर पूरा समरी ओपन हो जाएगा। समरी इन द सेंस, जिस भी GSTR-1 जिस पीरियड की आप फाइल कर रहे हैं उसके अंदर क्या आपका B2B का डिटेल्स है, कितने इनवॉइसेस हैं, कितना टैक्सेबल अमाउंट है, क्या आपका टैक्स अमाउंट है और क्या इनवॉइस वैल्यू आपकी जो है इंपोर्ट हुई है, वो यहां पर समराइज्ड वे में दिखाई जाएंगी अलोंग विद B2C डिटेल्स, HSN-wise समरी डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट सीरीज और सारी डिटेल्स जैसा GSTR-1 में जाना है टोटल अमाउंट आपको यहां पर जो है रिफ्लेक्ट किया जाता है। अगला इनवॉइसेस का डिटेल्स है, जो भी इनवॉइसेस आपके अपलोड हुए हैं इससे पिछला स्क्रीन के अंदर हम लोगों ने देखा था वो आपको समरी फॉर्म में दिखाया जा रहा है। यहाँ पर आपको इनवॉइस वाइज डेटा जो है वो शो होगा कि क्या इनवॉइसेस आपने अपलोड किया है, क्या इनवॉइसेस आप फाइल करने लग रहे हैं। यहाँ पे आप जो है माय इनवॉइसेस का डेटा देख पा रहे हैं, जितना भी इनवॉइसेस आपने जिस पीरियड का इंपोर्ट करा है
वो सारा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप 20 एंट्रीज देख सकते हैं एक पेज के अंदर, 50 एंट्रीज या 100 एंट्रीज, जितनी एंट्रीज आपके पास अवेलेबल हैं, सारी एंट्रीज आप यहाँ पर माय इनवॉइसेस वाले पेज में आकर के देख सकते हैं। उसके बाद जब सारी चीजें आप चेक कर लें तो आप अपलोड टू GSTN वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है आपको प्रीव्यू फॉर्म का। ये ऑप्शन पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था, अब इसको अवेलेबल कराया गया है। GST पोर्टल के अंदर भी आपको प्रीव्यू फॉर्म का ऑप्शन दिया जाता था अपनी GSTR-1 को फाइल करने से पहले, तो ClearTax के अंदर भी फाइल करने से पहले प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करके अपने डेटा को जरूर क्रॉस चेक करें, क्योंकि अब डायरेक्टली ClearTax से जो है आपकी रिटर्न फाइनली फाइल होने वाली है GST पोर्टल के अंदर। तो आप जैसे ही प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने GSTR-1 का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स जो भी आपने अपलोड किया है सारी डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट की जाएंगी। यहाँ पर आपका B2B का डिटेल्स, B2C का डिटेल्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या जो भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोडेड है उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड का वो रिफ्लेक्ट किया जाता है। एक बार आपने प्रीव्यू कर लिया उसके बाद यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन दो दिया जाता है, अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड विदाउट OTP। आप दोनों ही ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के अंदर OTP जाएगा, वो OTP डाल के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं OTP ना ले तो आप अपलोड विदाउट OTP वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको अपना GST पोर्टल का जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, मतलब GST पोर्टल के अंदर जो लॉगिन यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड रहता है वो आपको यहाँ पर डालना होता है फॉर दैट पर्टिकुलर GST जिसकी आप GSTR-1 फाइलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे आप अपना GST पोर्टल का यूजर नेम और GST का पासवर्ड डाल के यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अगला ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है अपलोड विदाउट OTP का। यहाँ पर होगा क्या, आपने एक बार यूजर क्रेडेंशियल्स और पासवर्ड डाल दिया है तो अब आपको OTP की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑटोमेटिकली विदाउट OTP जो है सारे इनवॉइसेस को GSTR-1 में अपलोड कर पाएंगे। एक बार आपने अपलोड विदाउट OTP पे क्लिक कर दिया है और अपना यूजर आईडी पासवर्ड सेव कर दिया है ClearTax के पोर्टल पे, उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन दिखाया जाता है अपलोड डॉक्यूमेंट्स टू GST फॉर GSTR-1। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन इनटू GST, तो यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना होगा GST पोर्टल का और पासवर्ड डालना होगा GST पोर्टल का विदाउट OTP के लिए। अब हम लोग ये प्रोसेस देख रहे हैं और उसके बाद आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपलोड का स्टेटस जो है वो शो किया जाएगा। ये प्रोसेसिंग टाइम जो है 1 से 2 मिनट का रहता है डिपेंडिंग ऑन द लोड ऑफ ClearTax, तो ये बहुत ही जल्द आपका डेटा जो है प्रोसेस हो जाएगा और GST पोर्टल पे ये अपलोड हो जाता है। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग यहाँ तक अपना GST पोर्टल के अंदर डेटा अपलोड कर पाते थे ClearTax के अंदर, इसके बाद का जो प्रोसेस है उसके लिए हम लोगों को दोबारा जाना पड़ता था अपने GST लॉगिन करने के लिए। अब वो चीज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ClearTax को यूज करते हुए भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो अब हम लोग अपने अगले स्टेप में देखेंगे। ये हो जाने के बाद आपको जाना है सबमिट एंड फाइल GSTR-1 रिटर्न्स वाले ऑप्शन में। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शंस शो करेगा। यहाँ पे पहला है फाइल विथ DSE, अगर आप एक कंपनी है तो आपको DSE से फाइल करना है, अगर आप नॉन कंपनी है तो आप DSE या फिर EVCA के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए कौन से ऑप्शन से आप फाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे एक मैसेज दिया जाएगा बाय कंटिन्यूइंग टू फाइल ClearTax will submit and file your GSTR-1 return in GST portal. जैसे ही आप यहाँ पे EBC डालेंगे आपके रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी GST पोर्टल पे। This action is not reversible. प्लीज मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज करेक्ट रिव्यूइंग योर समरी ऑफ द रिटर्न। ये स्टेप करने से पहले आप अपनी GSTR-1 को थॉरली चेक कर लीजिए जो भी डेटा आपने अपलोड किया है वो एक्यूरेट है या नहीं। अगर कुछ भी गलती है तो आप इस स्टेप को फॉलो मत कीजिएगा। एक बार आपने ये कर दिया इसको आप दोबारा बैक नहीं कर पाएंगे, रिवर्स नहीं कर पाएंगे। एक बार आपने चेक कर लिया तो आप अपनी EBC डाल के यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा आपके सामने वेटिंग फॉर योर एक्शन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिकली पॉपुलेट किया जाएगा ClearTax असिस्टेंट की मदद से जो कि हमने सेव किया था इससे पहले वाले विंडो के अंदर। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कैप्चा जो आएगा वो यहाँ डालना होगा और लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, बाकी का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा, डेटा आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और ऐसा पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन होता है। यू आर अबाउट टू सबमिट योर रिटर्न्स, यहाँ पे सिंपली एक मैसेज आपको दिया जाएगा कि आप अपनी
GSTR-1 जो है वो सबमिट करने लग रहे हैं। यू आर अबाउट टू सबमिट GSTR-1, वुड यू लाइक टू प्रोसीड? नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। एक बार आपने कंटिन्यू टू सबमिट पे क्लिक किया है तो आपका GST पोर्टल के अंदर GSTR-1 जो है सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप अपनी DSC या फिर EVC के थ्रू आप अपने डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करते हुए इसको फाइल करेंगे, और फाइल करने के बाद आपके पास एक ऐसा मैसेज आएगा कि आपने अपना GSTR-1 जो है क्लियर टैक्स के थ्रू फाइल कर दिया है और आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो है वो दिखाया जाएगा। तो ये एक पूरा स्टेप है जिसके अंदर आप अपनी एंड टू एंड फाइलिंग GSTR-1 से रिलेटेड कर सकते हैं क्लियर टैक्स को यूज करते हुए। अगर आपने अभी तक क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं किया है तो फटाफट से इस क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए। साइन अप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और अभी दिवाली महोत्सव के अंदर आपको क्लियर टैक्स के अंदर भारी भरकम डिस्काउंट भी दी जा रही है। अगर आप दिवाली महोत्सव का बेनिफिट लेना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर के उसको भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।